YouTube के लेटेस्ट वीडियोज, ब्रेकआउट स्टॉक्स और जो कुछ भी मैं यहां शेयर नहीं कर पा रहा हूं, साथ साथ स्टॉक मार्केट के लेटेस्ट न्यूज के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ आप टेलीग्राम पे स्टॉक बाजार ओरिजिनल सर्च करें और इस तरह का कुछ आइकन दिखेगा, उसे ज्वाइन कर लें। इस वीडियो में हम बात करेंगे किसी भी शेयर को आप कैसे बाय ऑन डिप कर सकते हैं, मतलब एवरी डिप पर किसी भी शेयर को कैसे आप बाय कर सकते हैं। ये किसी भी शेयर को डिप पे बाय करने के लिए हम जो जनरली प्राइस एक्शन का यूज करते हैं, आप किसी इंडिकेटर का यूज कर सकते हैं जैसे बॉलिंजर बैंड, RSI, MACD, ये काफी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है जिसका यूज आप कर सकते हैं बाय ऑन डिप्स के लिए। लेकिन प्राइस एक्शन सबसे श्रेष्ठ है हमारे हिसाब से। अगर आपको इंडिकेटर ज्यादा प्रीफर है तो इंडिकेटर आप जो मुख्य तीन इंडिकेटर मैंने बताया उसका यूज कर सकते हैं, या आप फिबोनाची का यूज कर सकते हैं, फिबोनाची भी काफी बेस्ट है। यहाँ पर देखिए बात करें तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए ट्रेंड लाइन मैंने सन फार्मा का यहाँ पर ड्रॉ किया है। यहाँ पर देखिए सन फार्मा जो है इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है नीचे की ओर, तो ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन हो गया, ऊपर ये रेसिस्टेंस ट्रेंड लाइन हो गया। देखिए यहाँ पर सपोर्ट लेता है सन फार्मा, फिर ऊपर गया और यहाँ पर लगातार तीन बार इस मतलब टच करता है और फिर से यहाँ से वापस आता है और यहाँ पर देखिए सपोर्ट वाले ट्रेंड लाइन को टच करता है। तो जब दो बार यहाँ पर टच करें तभी ये ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं। फिर यहाँ पर जो लगातार रेसिस्टेंस इस ट्रेंड लाइन पर फॉलो कर रहा है, ये एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस वाला ट्रेंड लाइन है। साथ ही साथ यहाँ पर ये तीसरी बार सपोर्ट दिया, ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट ट्रेंड लाइन भी काफी स्ट्रॉन्ग हो गया। तो जब जब इस सपोर्ट वाली ट्रेंड लाइन पर आएगा यहाँ पर आया बाय कीजिए, यहाँ पर आया बाय कीजिए, यहाँ पर आया बाय कीजिए, फिर से यहाँ पर वापस जैसे इस ट्रेंड लाइन पर आता है तो आप इसको बाय कर सकते हैं। कभी भी इस ट्रेंड लाइन को ये ब्रेक कर देता है और वापस नीचे फॉल होता है तो फिर आपको इस ट्रेंड लाइन को फॉलो नहीं करना है। तो जैसे यहाँ पर वापस आया, जैसे यहाँ से बाउंस बैक हुआ मतलब ट्रेंड लाइन से ऊपर जाना शुरू किया, तो यहाँ पर आप छोटे टाइम फ्रेम पर चले जाएंगे, जैसे आवर्ली चार्ट का उपयोग करेंगे, आवर्ली चार्ट पे आप इसको बाय कर सकते हैं। अब देखिए जैसे मैंने छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो गया है, तो जैसे ट्रेंड लाइन को आप देख लेते हैं, ट्रेंड लाइन को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, आइडेंटिफाई करने के बाद आपको छोटे टाइम फ्रेम पर आना है। देखिए छोटे टाइम फ्रेम पर जैसे हम आते हैं, अब देखिए जैसे यहाँ पर ट्रेंड लाइन को ये टच किया, टच करने के बाद यहाँ पर जैसे ये ऊपर जाने लगा यहाँ पर इसके जस्ट यहाँ पर इसके ऊपर यहाँ पर आपको एंट्री लेना है और एंट्री लिए जबरदस्त यहाँ पर आपको रिटर्न प्राप्त हुआ। उसी तरह से जो पिछला ट्रेंड लाइन को जब टच किया वापस जा रहा था वहां पर भी आप इसको फॉलो कर सकते हैं। देखिए हम वापस आते हैं इधर, यहाँ पर जो ट्रेंड लाइन को टच किया, देखिए यहाँ पर ट्रेंड लाइन को टच करने के बाद एक बार नहीं दो दो बार आया, यहाँ पर एक बार ट्रेंड लाइन को टच किया फिर दोबारा आगे टच किया, तो यहाँ पर आप एंट्री ले सकते थे। यहाँ पर टच किया फिर यहाँ पर टच किया, जैसे टच करने के बाद ये जो इसका यहाँ पर है इसके ऊपर जैसे निकलता है यहाँ पर आप एंट्री ले सकते हैं या यहाँ पर आप एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पे एंट्री लिए, यहाँ से देखिए गजब का रिटर्न आपको प्राप्त हुआ। तो इस तरह से बाय ऑन डिप करना है। जो स्टॉक्स ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, बुलिश पैटर्न में है तो बाय ऑन डिप करना है। इसी तरह से जब जब वो सपोर्ट वाले ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है या सपोर्ट वाले लेवल पे आता है तो उसको बाय कीजिए, और जैसे रेसिस्टेंस लेवल पर आता है उसको सेल कीजिए, या लॉन्ग टर्म के लिए आप उसको होल्ड कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए आपको टाइम फ्रेम जो है वो भी लंबा यूज करना है। लॉन्ग टर्म के लिए हम वीकली चार्ट को फॉलो करते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए हम डेली और आवरली चार्ट को फॉलो करते हैं। तो जैसे लॉन्ग टर्म है आपका 5 इयर्स 10 इयर्स, तो आप वीकली चार्ट को फॉलो कीजिए, वीकली चार्ट पर जिस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है उसको प्रीफर करना है आपको। तो उम्मीद करते हैं वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो लाइक और शेयर कीजिएगा। जब आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें इसी तरह के एजुकेशनल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए।